हेलो फ्रेंड्स, अ लॉट टू डिस्कस, अ लॉट टू नो। मैं हूं अंशु आनंद और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अंशु टेक स्टडी में। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो गाइस प्लीज लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज चैनल को। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास पाइप एंड सिस्टम की, जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आने वाला एक पार्ट, जो आपके एग्जाम में भी कुछ नंबर्स में पूछे जा सकते हैं ये। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पाइप एंड सिस्टम की। तो पाइप जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जो इसमें यूज किए जाएंगे इस क्वेश्चन में, या फिर देखिए इनलेट पाइप होंगे या आउटलेट पाइप होंगे। जो पाइप इनलेट होंगे इनको पॉजिटिव लेंगे, जो पाइप इनलेट होंगे इनका जो सिंबल होगा, इनके वर्किंग हावर का सिंबल होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे या प्लस लेंगे। ठीक है, प्लस का निशान लेंगे जब वो, ये इनलेट पाइप होते क्या है बात करेंगे। जो इनलेट जो वे पाइप होते हैं जो टंकी में पानी को भरते हैं, ठीक है। और आउटलेट पाइप जो होते हैं उनके लिए माइनस का या नेगेटिव का चिन्ह लेंगे, ये क्या करते हैं टंकी से पानी को खाली करेंगे या टंकी से पानी को बाहर करेंगे। समझ में आया। अब देखिए इनलेट में क्या क्या हो सकता है, या फिर टंकी जो है पाइप द्वारा भरी जा रही हो क्वेश्चंस में, ठीक है, या टंकी जो है नल द्वारा भरी जा रही हो, या टंकी जो है पंप द्वारा भरी जा रही हो। समझ में आया। और खाली करने वाला जो होगा आउटलेट, उसमें या फिर होल होगा, या कोई टंकी में छेद हो गया, टंकी फूट गई हो, उससे रिस रहा हो, जिससे पानी जो है कुछ घंटे में निकल जा रहा हो, तो इसके लिए माइनस का चिन्ह लेंगे कि इतने घंटे में ये निकल जा रहा है। एग्जॉस्ट वाल्व जो होंगे पानी से, जो टंकी से पानी को नीचे से बाहर से निकाल देंगे, इसके लिए भी क्या लेंगे आउटलेट ही के अंतर्गत ये आएंगे, इसलिए इनका चिन्ह क्या होगा माइनस होगा। तो चलिए आइए इसमें ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। हम जो ट्रिक्स लगाने वाले हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन के टाइप्स होंगे आप डिस्कस करते हैं, या फिर इसमें दो पाइप होंगी या दो पाइप्स होंगी, जो एक पाइप दोनों पाइप या पानी को भर रही होंगी या पानी को खाली कर रही है, या तीन पाइप भी हो सकते हैं क्वेश्चंस में, तीन पाइप्स होंगे टंकी को जो है एक साथ भर रहे होंगे, या कुछ जो होंगे दो पाइप जो है इनलेट की होंगी, ठीक है, और एक पाइप जो हो सकती है आउटलेट की होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। समझ में आया। तो आइए इसमें ट्रिक्स की बात करें, तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे ट्रेडिशनल होता है कि जैसे कि समय जो लगेगा पानी को भरने में, समय जो होता है एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई, जहां एक्स क्या है ए द्वारा लिया गया समय, ठीक है, ए पाइप द्वारा लिया गया समय, ठीक है, एक्स हावर, ये हावर्स में लेंगे, और वाई क्या हो गया बी पाइप द्वारा जो लिया जाएगा समय, बी पाइप द्वारा जो लिया गया समय ये होगा एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई, जो है टोटल समय लिया जाएगा दोनों पाइप एक साथ चालू हो जाए टंकी भरने में, ये समझ लिया जाएगा। समझ आया स्टूडेंट। चलिए आइए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और पता लगाते हैं कैसे जो है इन क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि पाइप ए टंकी को 8 घंटे में भरता है और पाइप बी टंकी को 16 घंटे में खाली करता है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑप्शन इसके दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो आइए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टंकी ए की बात की जाए तो ये 8 घंटे में भर रही है, तो इसके लिए हम क्या बोला था मैंने, प्लस का चिन्ह लेंगे, जो भर रहा है टंकी को इसके लिए प्लस, और बी क्या कर रही है टंकी को खाली कर रही है कितने समय में, 16 घंटे में। समझ में आया। तो अगर दोनों एक साथ चालू कर दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, ठीक है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए पाइप को तो कितने समय भरेगी। तो यहां पे सिंपली क्या करना है, 1/8 माइनस क्या कर दे रहा है 1/16, ये जो टोटल टाइम यहाँ पे निकल के अभी आएगा, ठीक है। तो इसको जब साल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 1/16 इस तरह से निकल के आएगा 1/16। ये जो निकल के आया कि दोनों पाइप में जो है टंकी एक घंटे में जो है दोनों पाइप द्वारा पानी कितना भरा जा रहा है, इतना पार्ट भरा जा रहा है। इस तरह से पूरी टंकी भरने में जो टाइम लगेगा, टाइम मेरा लगेगा वो जो है 16 हावर्स लगेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। या एक तरह से और कर सकते हैं, अगर आप त्रिभुज मेथड से कर रहे हो इस क्वेश्चन को, तो इस तरह से अगर आप ये जो है टंकी है ए और ये पाइप बी है, ये दो पाइप है, ये जो है 8 घंटे में भर रहा है, ये 16 घंटे में खाली कर रहा है, इस तरह इसका एलसीएम ले लेंगे आप लोग तो नीचे आ जाएगा 16, 8 और 16 का इसमें भाग दे देंगे, 8 दूरी 16 और 16 ये, ठीक है, ये माइनस में लेंगे क्योंकि ये जो खाली कर रहा है ये भर रहा है, ये क्या होगा प्लस में रहेगा। इस तरह से जो टाइम लगने वाला है आपका, ये जो एलसीएम है 16/2 - 1 कर देंगे तो मेरा निकल के आएगा 16 आवर्स,
ये जो है टाइम लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे दिया है तीन पाइप जो है किसी टंकी को क्रमशः 10, 12 और 15 घंटे में भरते हैं। यदि पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। तो आइए हम त्रिभुज की विधि से इसको जो है हल करते हैं, या एलसीएम मेथड से। एलसीएम या लसा का जो नियम होता है, लसा आपने सुना होगा, लघुत्तम समापवर्ती, या एलसीएम, ठीक है, इसके द्वारा जो है इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं ए बी सी तीन पाइप है, यहां पे लिख लेंगे ये कितने घंटे में, 10, 12 और 15 घंटे में टंकी को भर रहे हैं। तो अगर आप तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरा निकल के यहां पे 60। तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो यहां पे निकल के आएगा 60। तो एक का जो है एक घंटे में कितनी टंकी का भाग भर, पूरी भाग यहां पर निकल गया टंकी का, और इससे भाग देंगे 10 का 60, 12 5 60, 15 4 60। इस तरह से आपको 6 5 4 ये टंकी के भाग है जो ए बी सी पाइप द्वारा एक घंटे में भरे जा रहे हैं। तो टोटल भाग है 60, एक घंटे में भरे जा रहे हैं तीनों द्वारा 6 5 4। और अगर पूरा जो है टाइम मेरा लगेगा टंकी को फुल होने में तो कितना लगेगा, 16/6 + 5 + 4, इस तरह से मेरा आ जाएगा 16/50। और इस तरह से आप काटेंगे तो इसको आ जाएगा 4 hours। 4 hours में मेरा जो है टंकी पूरी तरह से भर जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो स्टूडेंट्स क्वेश्चन, तो इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि पाइप ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो आपका ये क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे प्रदर्शित है। यहाँ पे आइए हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले मेरा पेन। तो इस तरह से अब मैं पेन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा पहले, तो आप लोगों को चालू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा पेन हो गया सिलेक्ट, तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए जो है कितने घंटे में भर रहा है, 3 घंटे में। बी कितने में खाली कर रहा है, -6 घंटे, मतलब माइनस में ले लेंगे इसको, बी को प्लस में लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा क्या, 6 आएगा। एलसीएम लेने नहीं आता है तो 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 3 और 3, और यहाँ पे अगर ले लेते हैं 1 1, इस तरह से एलसीएम मेरा क्या आ गया, 6 आ गया। एलसीएम जो है यहाँ पे मेरा 6 आ गया, तो यहाँ 6 हो गया। तो अब माइंड में भी ले सकते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेने आपको माइंड में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे फटाक से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 6 और यहाँ पे -1। ये पाइप क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ये क्या क्या कर रहा है, टंकी को ये ए वाला भर रहा है। तो इस तरह से अगर टाइम दोनों द्वारा लिया जाएगा, अगर चालू करने पे टाइम में कितने टाइम में टंकी भरेगी, तो यहाँ पे 6/5 क्या कर देंगे, यहाँ 2 - 1, तो यहाँ पे निकल के मेरा आ जाएगा 6 hours। 6 hours जो है ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 5 और 6 घंटों में भरते हैं, पाइप सी 12 घंटे में खाली करता है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है, तो अगर आपकी जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आपका जो है यूट्यूब के वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए स्टूडेंट्स, जिससे आपको क्वेश्चन के जो लिखे हुए वर्ड्स होंगे अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप जो है क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पाइप दिया है ए और बी किसी टंकी को जो है 5 और 6 घंटे में भर रहे हैं, और सी क्या कर रहा है, खाली कर, तो यहाँ पाइप 3 है, तो इसी इस तरह से लिख लेंगे। तो ए पाइप है 5 घंटे में भर रहा है, बी 6 घंटे में, और सी क्या कर रहा है, उसी को 12 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो ये दोनों को प्लस लेंगे, जो खाली कर रहा है उसके लिए माइनस। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 5, 6 और -12 का, तो एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। 60 जो है ऐसी संख्या है जो 5, 6 और 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो इसका आ जाएगा 12, और इसमें 10 का 60 और 12 5 60, इस तरह से मेरा निकल के आएगा यहाँ पे। और तीनों अगर एक साथ चालू कर दिए जाए तो टाइम जो लगने वाला है भरने में टंकी को, वो क्या हो जाएगा, 60 बट्टे कर देंगे जो ये तीनों संख्याएं हैं, जोड़ देंगे 12 + 10 - 5, तो 12 + 10 = 22, 22 में से 5 = 17, इस तरह से 60 = 17, इस तरह से क्या हो जाएगा मेरा 3
सही 9/17। तो यही मेरा निकल के हावर्स जो है आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, यदि पाइप ए किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, यदि पाइप ए जो है टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, लेकिन लीक होने के कारण टंकी को भरने में 1/3 घंटे लगते हैं, लीक या छेद टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट टंकी दोनों के कारण जो है भर रही है, छेद के कारण और जो है पाइप भी चल रहा है, छेद से पानी भी निकल रहा है, इसके कारण जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है टंकी को भरने में। तो यहाँ पे आपको समझना होगा जो टंकी द्वारा जो टाइम लगेगा 1/B = हम क्या कर देंगे डायरेक्टली 1/A + B दोनों के द्वारा जो भरने में जितना टाइम लगेगा माइनस 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉरी 1 के द्वारा भरने में जितना टाइम लगेगा और माइनस क्या कर देंगे दोनों को भरने में जितना टाइम लगेगा यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, तो 1/B की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ पे 1/ यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा वैल्यू 1/ करेंगे 2 सही 1/3 तो 3/7 जो है इसका निकल के आएगा 1/A + B। समझ में आया, हम ए लिए हैं पाइप को, ठीक है, बी लिए हैं छेद को, ठीक है, टंकी का जो छेद है इसे पानी निकल रहा है तो इसके लिए प्लस लेंगे, इसके लिए माइनस, इसीलिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। समझ में आया स्टूडेंट्स। और दोनों अगर एक साथ हो रहे हैं इस तरह से, अगर 1/B की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 - 6/14, तो इस तरह से 1/B की वैल्यू आ गई 14, 1/B की वैल्यू 1/14 आ गई। तो बी की बात करें तो छेद जो है यही जो 14 hours में जो है पानी को बाहर निकाल देगा अगर ए चालू ना हो तो। समझ में आया, अगर अकेले छेद की बात करें तो जिससे टंकी जो है 14 घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ दिया है कि 2 पाइप जो है एक टंकी को 4 घंटे में भर रहे हैं, यहाँ 2 पाइप दिए हैं टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं, यदि पाइप बी अकेले टंकी भरने में 1 से 6 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाइप्स दिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, यहाँ पे जो है ए जो है 4 घंटे में टंकी भरता है, ठीक है, ए और बी अगर एक साथ चालू हो तो 4 घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जा रही है, लेकिन ए जो है मान लेते हैं भरने में इसको टाइम लगा है एक्स हावर, और क्वेश्चन के अनुसार बी जो है अकेले टंकी भरने में 1 से 6 घंटे ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो बी की जो टाइम हो जाएगी टंकी भरने का x + 6 hours। अब देखिए दोनों जो है एक साथ भरते हैं, ए प्लस बी अगर टंकी एक साथ भर रहे हैं तो दोनों को कितने घंटे लग रहे हैं 4 घंटे, ये क्वेश्चन में आपका गिवन है, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। इसके बाद यदि बोल रहा है कितने समय में पाइप ए टंकी अकेले भर पाएगा, तो समय जो हम बात करेंगे तो आप ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे तो 1/x + 1/x + 6 जो है कितने घंटे में भर रहे हैं 1/4, इस तरह से हो गया। ठीक है, इनका योग हम कर देंगे और इसको डायरेक्टली हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 6/x² + 6x = 1/4। अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक तरह का जो है द्विघात समीकरण बन के आएगा मेरा, तो 8x + 24 = हो जाएगा यहाँ पे x² + 6x। अगर आप इसको हल करते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक तरह का द्विघात समीकरण मेरा बन के आएगा, x² - 2x - 24 = 0, इस तरह से आपको पक्षांतर करने पे आ जाएगा। तो इसको अगर आप फैक्टर करेंगे इसका तो x² - कितना यहाँ पे प्लस ले लेते हैं तो x² + क्या लेते हैं यहाँ पे 4x - 6x ले लेते हैं, 6×4=24 हो जाएगा, तो -24 कर देंगे = 0, इस तरह से यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे और इस तरह से इसका फैक्टर निकल के आ जाएगा क्या 1 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा और -6 अगर लेते हैं तो x + 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो x + 4 x - 6 जो है यहाँ पे इसका 2 फैक्टर आ गए निकल के, तो मेरा जो वैल्यू होगी x = 6 जो है ए द्वारा जो है 6 hours जो है
लगेंगे, जो a की वैल्यू क्या है x इक्वल टू 6 आई है, यही जो है a द्वारा पाइप को अकेले भरने में टंकी का समय लिया गया है। ठीक है, तो 6 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स। 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए हमेशा खुला रहे और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के अंतराल पर खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए बी और सी, तीन पाइप हो गए, ये 12, 15 और 20 घंटे में जो है भर रहे टंकी को। अगर तीनों का हम एलसीएम लेते हैं तो आ गया मेरा 60। यही जो है टंकी का टोटल भाग है, एक घंटे में कितना भरा जा रहा है पानी, ए द्वारा 12 × 5 = 60, इस तरह से बी द्वारा जो है 4 भाग भरा जा रहा है, इस तरह से सी द्वारा 20 × 60 3 भाग भरा जा रहा है। अगर हम बात करें एक घंटे की, पहले एक घंटे में कितना भरा गया, ए प्लस बी आए थे, ठीक है, इस तरह से ए प्लस बी जो भरेंगे 5 + 4 = 9 भाग भर देंगे, ठीक है। और दूसरा जो अगला घंटा होगा 1 आवर, उसमें ए प्लस सी खुलेगा, ए के साथ सी, ए तो हमेशा खुला है, बी और सी की अदला बदली चल रही है यहाँ पे, ए प्लस सी खुलेगा तो 5 + 3 = 8 आवर हो जाए, 8 पार्ट जो हो जाएगा यहाँ पे टंकी का भरेगा। तो 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में कितना हो गया, 17 पार्ट भर रहा है, 17 पार्ट जो है 2 आवर्स में जो है 17 पार्ट भर रहे हैं। तो 6 आवर्स में कितने पार्ट भर जाएंगे यहाँ पे, 6 आवर्स में 17 × 3 = 51 पार्ट जो है, सॉरी 51 पार्ट जो है टोटल 3 घंटे भरेंगे। और उसके बाद जो है 9 पार्ट बचेंगे, जो 9 पार्ट रिमेनिंग होंगे, 9 पार्ट तो लास्ट में उस समय भरे थे ए और सी, उसके बाद नंबर आ जाएगा ए प्लस बी का। तो 1 घंटा और होगा लास्ट वाला, लास्ट हावर जो होगा, लास्ट हावर 1 आवर जो होगा एक, तो इसमें 1 घंटे में कौन भरेगा, ए प्लस बी भरेंगे। ए प्लस बी कितने भाग भर देंगे यहाँ पे, 5 + 4 = 9 पार्ट, जो 9 पार्ट रिमेनिंग था ये किसके द्वारा भरा गया, लास्ट में ए प्लस बी का नंबर आया था तो उसमें 9 पार्ट भर दिया गया, इसलिए 1 घंटा और लग गया यहाँ पे, 1 आवर्स और लग गए, ठीक है, 1 आवर्स और लग गए यहाँ पे। इस तरह से मेरा आ गया यहाँ पे 7 आवर्स। तो 7 आवर्स में जो है टंकी पूरी इस तरह से भर गई, इस तरह से अगर पाइप को खोलना बंद करना चालू कर दिया गया तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका निकल के आएगा आंसर है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। इसी के साथ जो है ये इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे आने वाले समय में हम जो है लाइव क्लासेस चलाएंगे, जिसमें क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स द्वारा पूछा जाएगा, हम लोग लाइव हल करेंगे इसको। तो अगर आपको जो है अगर हमें सपोर्ट करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।